अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल क्विक किचन रेसिपी। आज मेरे किचन में बहुत मज़े का वाइट लोबिया बन रहा है। आधा किलो मैंने वाइट लोबिया लिया जिसे मैंने 3 से 4 घंटे भिगोया है। 1 चम्मच मेरे पास नमक है, 1 चम्मच मेरे पास लाल मिर्च है, 1 चम्मच मेरे पास जो है वो पिसा सूखा धनिया है, और 1/4 कप टीस्पून यानी मेरे पास थोड़ा सा हल्दी है, और मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। 3 मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर इसमें ज़्यादा लीजिएगा, और 2 अदद मेरे प्याज हैं जो दरमियाने साइज़ के हैं। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं थोड़े ऑयल में पहले अपने प्याज ब्राउन करूँगी, मसाला बना के मैं फिर लोबिया में डालूँगी। ये एक तरीका है बनाने का। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे लोबिया बनाने का दूसरा तरीका भी शेयर करूँगी। जब मेरा प्याज ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसको ब्राउन करूँगी। जब मेरे प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल के टमाटर और नमक में शामिल करके मसाला भूनूंगी। मैं इसमें अपनी वाइट लोबिया में कोई ख़ास गर्म मसाला नहीं यूज़ करूंगी, सिर्फ जीरे का यूज़ करूंगी। जब मेरा मसाला अच्छे से भुन जाएगा मैं इसमें लोबिया ऐड करूँगी। मसाले में लोबिया ऐड करके मैं इसमें इतना पानी डालूंगी कि जब मैं इसे 10 मिनट प्रेशर लगाऊं तो इसका पानी बिल्कुल खुशक ना हो, थोड़ा सा मसाला सा रहे। अब मैं इसे 10 मिनट प्रेशर लगाऊंगी। 10 मिनट बाद मेरा लोबिया डन है और इसमें इतना सा पानी है। अब मैं इसमें हरा धनिया और जीरा डाल के तो उसे 3 मिनट भून लूँगी और फिर इसको 5 मिनट दम पे रख दूँगी, मेरा लोबिया तैयार हो जाएगा। जी, दम के बाद मेरा लोबिया का सालन रेडी है। आप इसे मज़ेदार सैलेड के साथ इंजॉय कीजिए। मेरी इस रेसिपी को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।